धर्मनगरी चित्रकूट में दीपावली का पर्व अयोध्या के तर्ज में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश चित्रकूट व तीर्थ विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में वह 3 दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें आने वाले श्रद्धालु यहाँ होने वाले सांस्कृतिक व कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। बता दें कि दीपावली महोत्सव के दूसरे दिन मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी धर्मनगरी की चित्रकूट धरती पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने भक्ति संगीतों से धर्मनगरी की पावन धरती को भक्तिमय कर दिया। बता दें कि इस 3 दिवसीय दीपावली महोत्सव में देश के अनेक राज्यों के साथ बुंदेलखंड के सैकड़ों कलाकार विभिन्न लोक विधाओं से अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि चित्रकूट में सोमवार को वो 3 दिवसीय दीपावली महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा, वो जिसमें 29 अक्टूबर को धर्मनगरी चित्रकूट की पावन धरती पर पहुंची। रामायण पदम मालिनी अवस्थी ने अपने भक्तिमय संगीत से चित्रकूट की पावन धरती में जनता को झूमने में मजबूर कर दिया और अपने संगीतों से पूरी चित्रकूट की पावन धरती को भक्तिमय कर दिया। मानो ऐसा लग रहा हो कि प्रभु श्रीराम लंका विजय के बाद अब चित्रकूट आने वाले हैं। आज चित्रकूट में आयोजित रामायण मेला में आकर के गा करके ऐसा ही लग रहा जैसे तीर्थ में आकर के मानो गंगा में स्नान कर लिया, इससे अधिक क्या कहूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इतना शुभ दिन जब भगवान राम अयोध्या में अपनी पहली दिवाली राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनाने जा रहे हैं, और यहीं चित्रकूट में रहकर जिन्होंने वन में तपस्या की, ऐसे चित्रकूट में आज 2.5 घंटा भगवान राम के नाम का सुमिरन करना मुझे आज बहुत बहुत आनंद दे गया। और कमाल की बात है कि देखिए आज पर्व है लेकिन उतनी भीड़ जमी हुई थी, लोग सुन रहे थे अपने मन से, तो हम लोग को भी सेवा करने आए हैं, आज बहुत आनंद आया। मैं बहुत चित्रकूट धाम परिषद की तीर्थ परिषद की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर एक आयोजन आरंभ किया है। और आयोजन देखिए सार्थक तब होता है जब उसमें लोग सुनने आते हैं, श्रोता लोग आते हैं, तो इसलिए मुझे सारा अपना आना गाना सब सार्थक लग रहा है। बहुत बहुत कृपा बनी रहे भगवान राम की, यही मनाते हैं। ऐसी चीज़ है जो होती है तो होती है, वो उसके लिए अभिनय नहीं किया जा सकता, आंतरिक आनंद है। वो आनंद आज बह रहा था, गाने में बह रहा था, सुनने में बह रहा था, जब कीर्तन कर रहे थे तो उसके संग लोग गा रहे थे। मुझे लगता है सबसे बड़ा एक परिवर्तन तो ये आया है कि सिर्फ दीपावली को जो सिर्फ एक कहना नहीं चाहिए लेकिन जो एक लक्ष्मी गणेश पूजन के बहाने एक थोड़ा व्यापारिक दृष्टि से लोग उसको ज़्यादा देखने लगे थे कि धनतेरस में जो खरीद लिया उसकी पूजा हो गई, लेकिन अब राम कथा के बहाने जो उसका वास्तविक उद्देश्य है, जो अयोध्या में कल हम देखेंगे दीपावली है, भगवान राम के 14 वर्ष तपस्या करने के बाद सारे कष्ट सहने के बाद अपने घर लौटना, इसमें ये सुखांत है, इतना सुंदर संदेश है। मुझे लगता है ये आज के बच्चों भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं। आज दीपावली सच्चे अर्थों में मनाई जा रही है, आतिशबाजी पटाखे जो कहते हैं कि भाई मत बजाइए इससे प्रदूषण होता है, तो मुझे लगता है कि दिए जला करके हम अपनी आंतरिक प्रसन्नता बता सकते हैं। और जब लोग बहुत छोटे थे ऐसे वाले पटाखे बहुत आते थे जिनसे प्रदूषण नहीं था और खूब अच्छी ध्वनि से उद्देश्य हर्ष से है। बच्चा पैदा होता था घर में पहले थाली चम्मच बजा कर हर्ष है, हर्ष उल्लास व्यक्ति कैसे प्रकट करे। तो मैं मानती हूँ सब लोग खूब आतिशबाजी करें, दिए जलाएँ, भगवान रामलला की पहली दिवाली प्रतिष्ठा के बाद बहुत बहुत शुभ दिवाली।